हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, अभी कुछ देर पहले, लगभग 2 घंटे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था आप लोगों को, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से बॉयज़, तो आपके लिए जामिया एक ऑफिशियल वेबसाइट में लिंक आ गया है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं या फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे जो फॉर्म कैसे फिल करना है, उसका क्या इंस्ट्रक्शन है, और जो लिंक है वो अगले वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने मेंशन कर दिया था, पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बाकी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। जी हाँ, जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा इसमें, जिसमें आपका योर आईडी मांगेगा, योर इंटर योर पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ कैप्चा कोड है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या आईडी देना है, क्या पासवर्ड देना है ना, तो उसी चीज़ों का आप स्टेप बाई स्टेप मेंशन किया हो। सबसे पहले जैसे आप पोर्टल ऑन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसके बाद नंबर 2 पे देखिए, टाइप योर स्टूडेंट आईडी इन द फर्स्ट फील्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी टाइप करना है। आपका स्टूडेंट आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फीस स्लिप में दे सकते हैं या फिर डिपार्टमेंट से जाकर ले सकते हैं। ओके, उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वहाँ भी आपको टाइप योर स्टूडेंट आईडी अगेन इन द सेकंड फील्ड। तो यहाँ पे भी आपको स्टूडेंट आईडी ऊपर टाइप किया, आप वही आपको टाइप करना है। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा कोड है, कैप्चा यहाँ पे फिल करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे साइन इन पे कर देना। ठीक है, क्लिक साइन इन बटन, इसमें क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा गाइस, ये दूसरा स्टेप आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, और ये कहा गया है जो ईमेल एड्रेस आपको वही फिल करना है जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या फिर एडमिशन के टाइम पे दिया था आपने। ठीक है, वो फिल करना है। उसके बाद क्या करना है, करंट पासवर्ड, तो आपने स्टूडेंट आईडी ऊपर में दिया था तो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, टाइप योर स्टूडेंट आईडी एज योर करंट पासवर्ड। तो करंट पासवर्ड में आप क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ तक हो जाएगा आपका तो आप इस तरह का इंटरफेस आएगा गाइस, ये वेलकम वाला पेज आ जाएगा, और इसमें सर्विसेज क्या क्या है यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया वो आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप होम सेक्शन में क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं होम है, अबाउट है, जामिया पोर्टल है, तो होम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप क्या, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन। तो हॉस्टल रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का फिर इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करना है। ओके, जब क्लिक टू अप्लाई पे करेंगे तो मान लीजिए आपका सारा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कब किया, यहाँ पे डेट सब मेंशन हो चुका ऑलरेडी, इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपका डिटेल्स मांगा जाएगा, जिसमें आपका स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नाम है, कोर्स नेम है आपका, कॉन्टैक्ट नंबर है, जेंडर है आपका, स्टूडेंट कैटेगरी है, मेल आईडी है, किस डिपार्टमेंट से आप हैं, ठीक है, किस सेमेस्टर में करेंटली आप हैं, परसेंटेज आपका क्या है, आपका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये सारा कुछ, जो कुछ भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू प्रेस करेंगे। यहाँ क्लिक टू प्रेस करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका सक्सेसफुल का आपके पास या तो मेल आएगा या फिर यहीं पे आपको सक्सेसफुल दिखाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही प्रोसेस है, ऐसा फॉर्म फिल करना है आपको, बहुत ज्यादा मसला है नहीं। फिर भी अगर आपको मसला हो तो भाई हम हैं आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे हाजिर हैं। कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है वहां से भी डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर जामिया एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।